रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधुरी बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता का कारण उसके बाल थे। वो अपने सुंदर और लंबे बालों की वजह से बहुत घमंडी थी। वो किसी से कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी। अगर कोई उसके बालों की तारीफ करता तो उसको यही लगता कि वो उसके बालों को नजर लगा रहा है। लंबे बालों की वजह से वो बहुत परेशान रहती। वो जब रात में सोने जाती तो उसको सपने में यही नजर आता कि उसके बाल झड़ रहे हैं और वो गंजी हो रही थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। स्ट्रेस की वजह से उसके बाल सच में झड़ने लगे और अब वो लोगों से और यूट्यूब से अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए कोई ना कोई नुस्खा पूछती रहती। वो अपने घर पर उन चीजों को आजमाती। कॉलेज में उसकी एक दोस्त थी जो कि उसके बालों से बहुत जलती थी। एक दिन माधुरी शिखा से कहती है, देखना यार, मेरे बाल तो दिन पर दिन झड़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूं? तू अपने बालों को लेकर इतनी परेशान रहेगी और टेंशन लेगी तो बाल झड़ेंगे ही ना। तू परेशान मत हो, ये अपने आप झड़ना बंद हो जाएंगे। परेशान क्यों ना हो यार, आखिर मेरे इतने लंबे और सुंदर बाल हैं। अगर ये कम हो गए तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा सुन, फिर तू YouTube से देखा कर, वहाँ तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बालों को सुंदर बनाने के लिए उपाय बताते हैं। तू वो क्यों नहीं ट्राई करती? क्या पता तेरे लायक YouTube पर कुछ मिल जाए। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, मेरी कंप्यूटर क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी घर जा रही हूँ और तेरे बताए हुए YouTube पर कुछ चीजें देखूंगी ताकि मेरे बाल और ज्यादा सुंदर हो जाएं। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। माधुरी अपने घर आकर YouTube देखने लगती है। उसको YouTube पर एक चैनल मिलता है जो बालों का झड़ना रोकने के उपाय बताता है। ये माधुरी को बहुत पसंद आता है और वो उपाय को ट्राई करने लगती है। वो आए दिन कोई ना कोई नुस्खा ट्राई करती रहती और सोचती है कि उसके बाल ठीक हो जाएंगे, पर धीरे धीरे उसके बाल कई सारे प्रोडक्ट यूज करने से डैमेज होने लगते हैं और वो धीरे धीरे गंजी होने लगती है। अब मधु परेशान थी कि लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देंगे। तभी वो फैसला करती है कि वो विग लगाएगी। माधुरी ये बात किसी को नहीं बताती और वो कॉलेज में विग लगाकर जाने लगी। माधुरी के कॉलेज में चरण नाम का एक लड़का था जो माधुरी को बहुत पसंद करता था। एक दिन चरण माधुरी के पास आता है और बोलता है, हेलो माधुरी, कैसी हो तुम? हेलो चरण, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत समय से कहना चाहता था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपने दिल की बात कहने की। चरण की बात सुनकर माधुरी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि चरण कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का है। लड़कियां उसको चॉकलेट बॉय कहती हैं। उसे कई लड़कियों ने शादी के ऑफर भी किए पर चरण ने मना कर दिया। लेकिन जब चरण ने माधुरी को बोला तो चरण की बात सुनकर माधुरी कहती है, हाँ हाँ जरूर मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, पर तुमसे प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी पर क्या तुम्हारी माँ मुझे अपना लेंगी? माधुरी तुम इसकी चिंता मत करो, एक बार शादी होने के बाद माँ को हमें अपनाना ही पड़ेगा। कुछ दिन दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। एक दिन दोनों मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं और चरण माधुरी को अपने घर लेकर आता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। चरण की माँ चुंगी देवी दरवाजा खोलती है और चरण को शादी के जोड़े में खड़ी लड़की के साथ देखकर कहती है, अरे नालायक, ये किसको लेकर आ गया तू? तू तो अपने काम पर गया था ना? माँ वो मैं और माधुरी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे माधुरी ने बताया कि उसकी माँ उसे गांव ले जाकर उसकी शादी करवा देगी, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। पर तू मुझे बता तो सकता था ना, हम इसके घर जाकर बात कर लेते। छोड़, तूने तो शादी कर ली है, अब तूने शादी कर ही ली है तो मैं तुझे और बहू को अपनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। चुंगी देवी अपनी बहू और बेटी का आरती उतार कर स्वागत करती है और अपनी बहू को कहती है, अब जो हुआ है उसको बदला तो नहीं जा सकता ना, चलो मैं तुझको स्वीकार करती हूँ। चल बहू, अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे, मैं भी देखूं मेरे बेटे की पसंद कैसी है। अब माधुरी अपना घूंघट उठाती है और तभी घूंघट में अटक कर माधुरी की विग भी निकल जाती है और उसे ऐसे बिना विग के देखकर चुंगी देवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चरण से कहती है,
अरे ये किसको लेकर आया है तू? ये तो गंजी है। मुझे लगा तू चांद जैसी बहू लाया होगा, पर इसके तो सर पर ही चांद है। वो माँ, माधुरी के बाल बहुत सुंदर थे। इसने लोगों की बात सुन सुनकर अपने बालों में इतने एक्सपेरिमेंट किए कि इसके सारे बाल ड्राई होकर झड़ गए और ये विग लगाने लगी। पर माधुरी ने मुझसे ये बात कभी नहीं छुपाई। चुंगी देवी और चरण आपस में बातें कर रहे थे और चुंगी देवी की पड़ोसन आ जाती है। चुंगी देवी पड़ोसन को आता देखकर माधुरी को कहती है, बहू जल्दी से अपना मुंह ढक ले, अगर इसको पता चल गया ना कि मेरी बहू गंजी है और विग लगाकर घूम रही है तो पूरे मोहल्ले में सबको सुनाने लगेगी और मेरे मुंह पर सब थू थू करेंगे। चुंगी देवी इतना बोल ही रही थी कि उसकी पड़ोसन आ जाती है और उसकी बहू को देखकर चुंगी देवी को कहती है, क्या बात है चुंगी देवी, बिना किसी खर्चे के बेटे की शादी करवा दी, चल अब बहू का मुंह तो दिखा दे। अच्छा तो तू मेरी बहू का मुंह बिना किसी शगुन के देखेगी क्या? हाँ ये तो सही बात है, बिना किसी शगुन के मुंह दिखाई में कोई मजा नहीं आएगा। हाँ भले ही अपने बेटे की शादी में मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया है, पर अपनी बहू की मुंह दिखाई तो मैं धूमधाम से करूंगी, मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाऊंगी। हाँ ठीक है, अब तेरी बहू का चेहरा मुंह दिखाई में ही देखेंगे, चल मैं चलती हूँ, मुंह दिखाई वाले दिन आऊंगी। पड़ोसन बहू की मुंह दिखाई की बात करके वहाँ से चली जाती है। चुंगी देवी भी माधुरी को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों बाद माधुरी की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू होने लगी थी। साथ ही साथ माधुरी भी अपने बाल उगाने के लिए अलग अलग ब्रांड के ऑयल का इस्तेमाल कर रही थी, पर उसके बाल नहीं उगते। वो अपनी मुंह दिखाई के लिए परेशान रहती है। दो दिन बाद माधुरी की मुंह दिखाई का दिन आता है और चुंगी देवी भी इस बात से परेशान थी क्योंकि माधुरी की विग अब खराब हो चुकी थी। फिर उसके बाद चुंगी देवी माधुरी के लिए हेयर कलर और एक सफेद विग खरीद कर लाती है और माधुरी को देती हुई कहती है, ले बहू अपने इस सफेद विग पर हेयर कलर कर ताकि किसी को पता न चले कि तू गंजी है और तूने विग लगा रखा है। मैंने बहुत तलाश की लेकिन मुझे ये सफेद विग ही मिली। जी माँ जी, मैं अभी अपनी विग को कलर कर लेती हूँ। माधुरी विग को कलर कर लेती है और शाम को सारी मेहमान घर आना शुरू कर देते हैं। इधर माधुरी भी अपनी दुल्हन के जोड़े को पहनकर अपनी नकली विग लगाकर हॉल में आकर बैठ जाती है और कुछ देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। सारी औरतें बारी बारी आकर माधुरी की मुंह दिखाई करती है और उसको शगुन देती है। रस्म खत्म होने के बाद चुंगी देवी एक पड़ोसन को कहती है, चलिए रस्म तो पूरी हो गई, बहू का मुंह भी सबने देख लिया, अब बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए खाना खा लेते हैं। सभी खाने के लिए बाहर जाने लगते हैं। माधुरी को हॉल में बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है तो वो चरण को आवाज लगाते हुए कहती है, चरण जी यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पंखा इधर कर दीजिए। हाँ हाँ अभी करता हूँ। जैसे ही चरण माधुरी की तरफ पंखा करता है, तेज हवा लगने से माधुरी की विग उड़कर उसके पास से पानी में जाकर गिरती है और सब औरतें उसे गंजा देख लेती है। साथ ही जिस पानी में उसकी विग गिरी थी उसका रंग बदल जाता है और सब जान जाते हैं कि विग भी सफेद थी। सारी औरतें उस पर हंसने लगती है। सबको हंसा देखकर माधुरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। सभी औरतों को माधुरी पर हंसता देखकर और माधुरी को रोता देखकर चुंगी देवी कहती है, चुप हो जाओ सारे, क्यों हंस रहे हो आप लोग, ये तो बेचारी मेरे सामने ऐसे ही आई थी, पर मेरी खुशी के कारण इसने विग लगाया और कलर किया कि ताकि पूरे मोहल्ले वालों के सामने थू थू ना हो। पर चुंगी देवी जी, आपकी बहू को ये नहीं पता क्या औरत की सुंदरता उसके बालों से होती है और ये गंजी है और ऊपर से विग पहन रखी है सफेद। औरत की सुंदरता बस उसके बालों से नहीं होती बल्कि उसके मन से होती है। क्या करती ये लंबे काले घने बाल रखकर, जब इसके मन में ही खोट होता तो ये गंजी जरूर है पर इसका दिल बहुत साफ है। चुंगी देवी को माधुरी की साइड लेते हुए देखकर माधुरी को एहसास होता है कि कैसे वो अपने लंबे बालों पर इतराती थी, कैसे वो लोगों को अपने बालों को छूने नहीं देती थी। जब बाल थे तो लोग उसकी तारीफ करते थे, अब नहीं है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। माधुरी की मुंह दिखाई खत्म हुए अब महीनों निकल जाते हैं। माधुरी के सर पर नए बाल भी आ जाते हैं। वो खुश थी कि बिना कुछ करे उसके सर पर बाल आ गए थे। भाविका को हमेशा से फास्ट फूड में गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक था,
जिसके चलते वो अगर गलती से किसी गोलगप्पे वाले की स्टॉल पर खड़ी हो जाए तो फिर किसी और का नंबर ही नहीं आने देती थी। वो इतनी दीवानी थी गोलगप्पे की। उसकी इस आदत से उसका पति आकाश और उसकी सास लाजवंती बड़े परेशान थे। दोनों ही उसे कई बार समझाने की कोशिश भी करते लेकिन उसके ऊपर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सामने से भाविका बहुत सारे गोलगप्पे की प्लेट लेकर उनके पास आती है, जिन्हें देखकर आकाश कहता है, ये क्या है भाविका, सुबह सुबह गोलगप्पे का स्टॉल लगाने के लिए जा रही हो क्या? देखो ऐसा मत करो, आसपास पड़ोस में हमारे घर की बहुत इज्जत है, उसे ऐसे खराब मत करो। क्या बात बोली है बेटा, बहुत अच्छे, वैसे लगाने दे बेटा, इसी बहाने घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। हो गया आप दोनों का, मिल गई खुशी मेरा मजाक बनाकर। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है गोलगप्पे का स्टॉल लगाने की? अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मुझे गोलगप्पे का स्टॉल लगाने की जरूरत पड़े। अरे यार माय स्वीट हार्ट, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था बस। थोड़ा वो क्या है ना, तुम्हारे हाथों में इतने सारे गोलगप्पे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सच में तुम बड़ी फनी लग रही थी इसीलिए बोल दिया। हाँ बहू तू बुरा मत मान, घर में हम तीन लोग तो हैं, अब आपस में हंसी मजाक और बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सही कहा माजी आपने, आप लोगों की बात का क्या बुरा मानना, आप लोग तो मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। बहू अब इसी बात पर नाश्ता भी लिया, बहुत भूख लगी है हमें, अभी तक चाय भी नहीं मिली मुझे पीने को। माजी मैं तो कब से नाश्ता लेकर खड़ी हूँ, आप लोग ही मुझे गोलगप्पे वाली बोलने में बिजी हो रखे हो। देखिए ना आज मैंने कितने सारे गोलगप्पे मंगवाए हैं बाहर से, आज मुझे घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। नाश्ता और ये गोलगप्पे, आर यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सुबह नाश्ते में ब्रेड पकौड़े कचौड़ियाँ और भी बहुत कुछ सुना था लेकिन गोलगप्पे कौन खाता है? मैं खाती हूँ ना सुबह शाम दिन रात, आई जस्ट लव इट। बहू हमें ये गोलगप्पे नहीं खाने, हम क्या खाएंगे? माँ जी अब वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस गोलगप्पे मंगवाए थे। तो ठीक है तुम ही इन गोलगप्पों को अकेले बैठकर ठूसो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आकाश गुस्से में इतना कहकर ऑफिस चला जाता है और लाजवंती भी अपने कमरे में निकल लेती है, जिसके बाद भाविका आराम से बैठकर अपने मंगवाए हुए गोलगप्पों को बड़े मजे से खाना शुरू करती है। ऐसे ही समय बीतता है और उसी के साथ भाविका की गोलगप्पे के प्रति चाह कम होने की जगह बढ़ती जाती है। यूं ही एक दिन भाविका मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तभी उसकी नजर अपने घर के सामने खड़े गोलगप्पे वाले के स्टॉल पर जाती है, जहां उसकी पड़ोस की सभी औरतें खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही थी, जिन्हें देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो भी वहां पहुंच जाती है। तभी उसकी पड़ोसन विनीता कहती है, आओ बहू तुम भी एक दो गोलगप्पे खा ही लो, कहाँ तुम लोगों का जल्दी बाहर जाना होता है कि तुम ये सब चीजें खा सको। बताओ शेर के आगे शिकार रखकर पूछ रहे हैं शिकार खाना है या नहीं, गोलगप्पे और मैं ना खाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? क्या हुआ बहू क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं आंटी जी, अब जब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं आपकी बात कैसे काट सकती हूँ। भाविका इतना कहकर सबके साथ गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। उसको इस तरह से नॉनस्टॉप गोलगप्पे खाते देखकर सभी औरतों के हाथ रुक जाते हैं और सभी उसे हैरानी से देखने लगती है कि कब वो गोलगप्पे खाना बंद करे तो उनका नंबर आए। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी, खाते खाते वो पूरी स्टॉल के गोलगप्पे खाली कर देती है, जिस पर वहीं खड़ी एक औरत कहती है, बस भी कर बहू कितना खाएगी, पूरे स्टॉल के गोलगप्पे तो खा लिए, अब क्या स्टॉल भी खाने का इरादा है? आंटी जी अब मैंने तो आपको नहीं मना किया था, आप मेरे साथ गोलगप्पे मत खाइए या रुक जाइए। बहू अगर मुझे पता होता कि तू गोलगप्पे खाने के लिए 10 जन्म की भूखी है तो मैं तुझे कभी अपने साथ खाने ही नहीं देती। लगता है तेरा पति और सास तुझे गोलगप्पे जैसी छोटी चीज भी नहीं खिला पाते, इसलिए गोलगप्पे देखकर तू ऐसे टूट पड़ी है। देखिए आंटी जी मेरे पति या मेरी सास पर मत जाइए। सभी औरतें भाविका से बहस कर ही रही थी कि तभी उन लोगों की आवाज़ सुन के लाजवंती भी अपने घर से बाहर आती है और भाविका को औरतों के बीच खड़ी देखकर उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ आप लोग मेरी बहू पर क्यों चिल्ला रहे हैं?
चिल्लाए ना तो और क्या करें, तुम्हारी बहू ने पूरे गोलगप्पे का स्टॉल ही खाली कर दिया और हम लोग मुंह देखने लगे। ये सारी गलती ना विनीता की है, ना ये बुलाती और ना ये सारे गोलगप्पे खाती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे बस करो, आप लोगों को जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन पहले मेरे पैसे दो और मैं जाऊं यहाँ से। हम क्यों देंगे पैसे, जिसने पूरा स्टॉल खाली किया है गोलगप्पे खाकर उसी से लो पैसे। मैं क्यों दूं पैसे, मैं खुद से थोड़ी गोलगप्पे खाने आई थी, आप लोगों ने ही बुलाया था, अब आप लोग ही दो पैसे। बहू कितने के गोलगप्पे खा लिए तूने? देखो मैडम, कौन देगा कौन नहीं ये हमको नहीं पता, हमको तो अपने पूरे 2000 रुपए चाहिए गोलगप्पे के, दो और हम जाएं यहाँ से। सभी औरतें आपस में बहस कर ही रही थी कि तभी आकाश ऑफिस से घर आता है और लाजवंती उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद वो बिना कुछ बोले गोलगप्पे वाले को उसके पूरे पैसे देकर अपने घर वालों को घर ले आता है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसके दोस्त मदन का कॉल आता है जो कहता है, भाई तेरी प्रॉब्लम का हल मिल गया, भाभी को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है ना, एक काम कर तू नागपुर लेके जा भाभी को और उन्हें वहाँ के बाहुबली गोलगप्पे खिला। भाई गोलगप्पे कम है क्या जो तू बाहुबली गोलगप्पे की बात कर रहा है? नहीं भाई, उसका नाम ही बाहुबली गोलगप्पे है, उसको खाने को लेकर नागपुर में एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज को जो जीतता है उसे 1100 रुपए और एक ट्रॉफी मिलती है, और उसे खाने के बाद दोबारा कोई गोलगप्पे खाने का नाम भी नहीं लेता। तेरा फायदा दोनों में है, चाहे तू हारे चाहे जीते। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ ये कितने गोलगप्पे खा सकती है। अपने दोस्त मदन के बात सुनने के बाद आकाश भाविका को फेमस बाहुबली गोलगप्पे खिलाने के लिए अपने साथ नागपुर लेकर आता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो भाविका से कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें गोलगप्पे खाने का, तो आज मैं तुम्हें नागपुर के फेमस बाहुबली गोलगप्पे खिलाने के लिए यहाँ लाया हूँ, और जो भी इस गोलगप्पे को खा लेगा उसे 1100 रुपए भी मिलेंगे। मैं भी देखता हूँ, अगर तुम इस प्राइस को जीत गई तो मैं खुद तुम्हें रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा, और अगर तुम हार गई तो फिर तुम दोबारा गोलगप्पे का नाम ही नहीं लोगी। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, नाम से क्या होता है, बाहुबली नाम रख देने से वो सच में बाहुबली जैसा कोई इतना बड़ा गोलगप्पा थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो तुम्हें देखने के बाद पता चलेगा, मैं तो इसलिए लाया हूँ तुम्हें कि आज तुम जी भर के गोलगप्पे खा लो, लेकिन अपने वाले नहीं, फेमस बाहुबली गोलगप्पे। रोज एक जैसा खाकर तुम भी तो बोर हो गई होगी ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं खुश हूँ कुछ अलग खाने के लिए। फिर देर क्यों करना, चलो। इतना कहकर जैसे ही आकाश और भाविका गोलगप्पे वाले के स्टॉल पर जाते हैं, और जैसे ही भाविका के सामने बाहुबली गोलगप्पा आता है तो उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। आज तक उसने इतना बड़ा और भारी गोलगप्पा कभी देखा तक नहीं था, और वो सोचने लगती है, ये गोलगप्पा है या उसका बाप, इसे मैं कैसे खाऊंगी। क्या हुआ, डर गई क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। इतना कहकर भाविका बाहुबली गोलगप्पे को पूरा खाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खा पाती। आखिर में वो खुद ही हार मान लेती है और दोबारा फिर कभी गोलगप्पे खाने का नाम तक नहीं लेती। इस तरह भाविका की गोलगप्पे खाने की आदत भी छूट जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।